हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम नमक पारे की रेसिपी लेकर आ गए हैं। बहुत ही खस्ता बनी थी, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस होली पे। आप देखकर ही समझ गए होंगे कि कितने खस्ता बने हैं। बहुत ही क्रंची और बहुत खस्ता बनी थी नमक पारे, इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी गर्म है इसलिए, तो जब ठंडे हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाते हैं, तो अभी गर्म थे इसलिए थोड़े कम खस्ता हैं। बहुत ही टेस्टी बने थे, एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस नमक पारे को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल लेना है, तो उसमें एक कप हमने मैदा लिया है, तो आप मैदा की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो आधा चम्मच करेंगे कलौंजी ऐड। कलौंजी से इस नमक पारे का बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है, इसलिए कलौंजी आपके पास है तो ज़रूर ऐड करें। उसके बाद एक चम्मच सफ़ेद तिल ऐड कर दिए हैं और स्वाद अनुसार कर देंगे नमक। आधा चम्मच करेंगे अजवाइन ऐड, तो इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। तो अभी हमें इसमें ऑयल ऐड नहीं करना है, इसी तरह से सभी सामान को मिला लेंगे। अब करेंगे इसमें मोइन ऐड, तो आप मोइन के लिए देसी घी या रिफाइंड ऑयल जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसे ऐड कर दें और इस तरह से मिला लेंगे। तो मोइन हमें कितना ऐड करना है इसी तरह से मिलाते हुए इसे चेक करेंगे। तो थोड़ा सा मैदा लेंगे और इस तरह से दबाएंगे तो लड्डू जैसा बनना चाहिए, बस इतना ही मोइन हमें ऐड करना है। अब आटा को लगा लेंगे इस तरह से, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैदा को लगा लेंगे। तो मैदा का डो इसका ना सख्त करना है ना ही बहुत ढीला, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक डो लगा के तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बस इसी तरह का चाहिए। और डो को रख देंगे रेस्ट पे 10 मिनट के लिए। एक कटोरी लेंगे, उसमें एक चम्मच घी ऐड करेंगे, एक चम्मच मैदा ऐड करेंगे, इसका साटा बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, साटा बन के तैयार हो गया है। तो टोटल 10 मिनट हो गए हैं, अब हम मैदा चेक करेंगे। तो मैदा का डो हमारा सेट हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे चकले पे, तो थोड़ा सा मसल लेंगे जिससे ये डो है बिल्कुल चिकना हो जाएगा, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं रहेंगे। तो इस तरह से मसल लेंगे और थोड़ा सा इसमें से डो लेंगे और एक लोई बड़ी सी बना लेंगे। अब इस लोई को पूड़ी बनानी है, तो फ्रेंड्स हमें पूड़ी को थोड़ा मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। तो इस तरह से बेलते हुए हमने, ये देखिए फ्रेंड्स, पूड़ी बेल के तैयार कर ली है। तो जैसी पूड़ी होती है उससे थोड़ा मोटा थिक रखना है इस पूड़ी को। अब जो साटा तैयार करके रखा था तो वो इसमें अच्छे से मिला देंगे, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने मिला दिया है, अब इसे फोल्ड करेंगे। तो टाइटली फोल्ड करना है इस तरह से, दबाते हुए बिल्कुल भी एयर नहीं इसमें रहनी चाहिए। तो अच्छे से टाइट फोल्ड करेंगे इसे, तो पूरा हमें अच्छे से फोल्ड कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा इसे दबा देंगे और इस तरह से दबा दें, इसका रोल बना लेंगे। और अब इसे साइड से करेंगे कट, तो साइड से थोड़ा कट कर देंगे। अब इसकी थोड़ी थोड़ी इंचिस में लोइयां काट लेंगे इस तरह से, आधे आधे इंच की। तो जैसी भी आप नमक पारे बनाना चाहें उतने ही बड़े काट सकते हैं। तो इस तरह से हमने आधा आधा इंचिस में इसे काट लिया है, तो सभी काट के हमने तैयार कर लिए। अब क्या करना है जी, तो साइड का भाग इसका चिपकता नहीं है, तो इस तरह से इसमें लगाएंगे और ये नीचे से दबा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से लोइयां बना के सभी तैयार कर लेंगे। तो सभी लोई बना के हमें इसी तरह से तैयार करनी है जिससे ये बिल्कुल भी खुलेंगी नहीं, ये नीचे से चिपका देंगे इस तरह से। तो लोइयां बना के तैयार कर लिए, अब इसे बेलेंगे। तो हल्का सा हमें बेलना है, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है। तो सभी लोइयां हमने एक साइड रख दी हैं, तो इस तरह से दो बार हमें बेलना है, बस पूड़ी बनके हमारी तैयार हो जाएगी। अब जो साटा बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर से अब साटा लगाएंगे और फिर से फोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा हमें बेलना है इसे, थोड़ा बेलना है, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है जिससे ये चिपक जाए, बिल्कुल भी खोले ना जब सेकेंगे तो। अब जो कांटे वाली चम्मच आती है उससे इस तरह से होल कर देंगे जिससे जब ये सेकेंगे तो हमारी मटरी फूलेगी नहीं, जिससे बहुत ज़्यादा क्रंची बनेगी। तो सभी मटरी इसी तरह से बना के हमने तैयार करनी है। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने पहले से ही ऑयल गर्म होने के लिए रखा था, तो ऑयल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए जब भी आप मटरी डालें तो हल्के हल्के से बबल आने चाहिए। तो सभी मटरी डाल के हम ये नमकीन डाल के इसी तरह से सेकना है, जब ये तैर के ऊपर आ जाएंगी सेकते सेकते उसके बाद ही हमें इसे पलटना है। तो इस तरह से हिला के कढ़ाई को इस मटरी को सेकना है जिससे ये नीचे नहीं चिपकेंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिकते सिकते थोड़ी ऊपर आ जाती है, बस इन्हें पलट देंगे और इसी तरह से पलटते हुए हमें इस सभी मटरी को सेक लेना। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
परतें सभी खोलने लगी हैं। इसी तरह से आप भी इस मटरी को बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही क्रंची बनती है। तो इस त्यौहार पे ये मटरी बनाना तो बनता है ना। तो सभी मटरी हमारी सीख के तैयार हो गई हैं, तो अब इन्हें निकाल लेंगे। तो इतनी क्रंची बनी थी, सभी पूछ रहे थे कि ये कैसे बनाई। इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सभी मटरी बना के हमने तैयार कर ली हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो मिलते रहेंगे ऐसी ही नई रेसिपी के साथ।